पूछा जाए कि आज क्या है तो शायद आप कहेंगे कि आज किस डे है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ इस बारे में ही पता है। आखिरकार आज के यूथ पर इस समय प्यार का बुखार जो चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वीक वैलेंटाइन वीक है। मगर आपको बता दें कि आज सिर्फ किस डे नहीं, बल्कि आज ऐसा दिन भी है जिससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। आज वर्ल्ड रेडियो डे है। आज स्मार्टफोन का ट्रेंड हो, लेकिन रेडियो के प्रति लोगों की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। कैब ड्राइवर, स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स समेत करोड़ों लोग आज भी रेडियो सुनते हैं। हालांकि कुछ साल पहले ये अफवाह उड़ी थी कि स्मार्टफोन आने के बाद रेडियो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्मार्टफोन्स के आने की वजह से और भी ज्यादा लोग रेडियो से जुड़े। भारत में रेडियो के लिए एक ऐसा दौर भी आया था जब रेडियो लगभग खत्म होने के दौर में ही था, मगर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को एक नई दिशा दी। वह रेडियो पर मन की बात कहते हैं, जिसे सुनने के लिए करोड़ों लोग रेडियो का प्रयोग करते हैं। इस तरह पीएम मोदी ने रेडियो को दोबारा लोगों के घर में पहुंचाया है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी खास बातें। वर्ल्ड रेडियो डे का क्या इतिहास है? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने जनरल कॉन्फ्रेंस को विश्व रेडियो दिवस की घोषणा करने की सिफारिश की। 2011 में यूनेस्को ने एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया की और ये स्पेन द्वारा भी प्रस्तावित है। एकेडमिया एस्पानोला डीला रेडियो के प्रोजेक्ट लीडर को कई हितधारकों से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर और ब्रॉडकास्टिंग यूनियन और एसोसिएशन शामिल है। 1946 में आखिरकार संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया। यूनेस्को के 36वें सत्र ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 14 जनवरी 2013 को यूनेस्को के विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक संकल्प अपनाया गया, और इसी प्रकार 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। क्या है इस दिन का महत्व? विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। ये निर्णयकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से सूचनाओं की स्थापना और जानकारी प्रदान करने, नेटवर्किंग बढ़ाने और प्रसारकों के बीच एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। क्या है इस साल की थीम? विश्व रेडियो दिवस 2020 का विश्व रेडियो डाइवर्सिटी है। इस बार का थीम विविधता और बहुभाषावाद पर केंद्रित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेडियो सबसे सुलभ मीडिया है। इसे दुनिया के किसी भी जगह से सुना जा सकता है। जो लोग सही से पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, रेडियो के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब बात रेडियो की चल रही है, तो आज हम आपको उस शख्स के बारे में बता देते हैं जिसने अपनी आवाज का जादू ऐसे चलाया कि लोगों को रेडियो सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट करने वाले अमीन सियानी हैं। इन्हें आवाज की दुनिया का सबसे बड़ा फनकार कहा जाता है। एक जमाना था जब हर बुधवार को रात 8 बजे बिना का गीतमाला सुनने के लिए लोग रेडियो से चिपक जाया करते थे। इनकी मेलोडियस धुनों और मधुर आवाज का संगम लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।